मान ली एक गलती की तो उसका पछतावा इसको हो रहा है ना, इसको एड्स हुआ है। इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। तो तुम बताओगी तब ना पता लगेगा क्या सच्चाई है क्या नहीं। सब कुछ झूठ बोल रही है वो। मुझे एड्स है। शादी तो दूर का बात है, कोई लड़का इस पर थूक के भी नहीं जाएगा। तूने अपनी लाइफ में कुछ करा था ना उस टाइम पे जब तूने लव मैरिज करी थी। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाश वाद एंटरटेनमेंट। दोस्तों मैं प्रकाश, इसका नाम सिमरन है। दोस्तों इसको हुआ एड्स, जो कि HIV एड्स बोलते हैं। ये इंस्टाग्राम पे संपर्क की थी, बहुत सारा हम लोग बात किए, बहुत ज़्यादा परेशान है दोस्तों। इसकी एक बहन है, इसका घर का जो भी खर्च होता है खुद चलाती है, ब्यूटी पार्लर में काम भी करती है। इसकी एक बूढ़े पापा है जो कि होमगार्ड की नौकरी करते हैं। इसकी एक छोटी बहन है, ये चाहती है कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, हमारा तो शादी होगा नहीं, लेकिन उसका कहीं अच्छे से घर में खोज के शादी कर देंगे, अच्छे से पढ़ लिख लेगी तो कोई अच्छा सा जॉब कर लेगी। लेकिन वो इनके बातों की, इनके भावनाओं को समझ नहीं पाती है दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा परेशान है उसको लेकर। तो जो भी बात है ना, एक बार तुम बताओ सिमरन, जिस मकसद से तुम हमारे पास आए हो, एक बार सारी बात तुम बताओ। मुझे एड्स है और मैं बहुत परेशान हो गई अपनी बहन से, वो मुझे समझ नहीं पाती और वो गलत रास्ते पे चलने लग गई आजकल। मैं उससे बहुत परेशान हूँ, मैं काम भी करती हूँ और ऊपर से घर को भी देखती हूँ, और मेरे बूढ़े जो पापा जी हैं उनको भी देखना पड़ता है। मैं किस किस को देखूँ, मैं कहाँ जाऊँ, अपनी बीमारी से मैं खुद परेशान हूँ। भैया आप मुझे थोड़ा सा जहर ला के दे दो, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मेरे से नहीं रहा जा रहा। मरने से हो जाएगा, फिर तुम अगर मर जाते हो तो तुम्हारी बहन को कौन देखेगा? तुम्हारी माँ कुछ तुमको बता के नहीं गई होगी, तुम अभी उसका माँ का रोल निभा रहे हो। तुम्हारे एक बूढ़े बाप है, सबका जिम्मेवारी भी तुम्हारे ऊपर है, खुद एक तुमको इतना बड़ा बीमारी हुआ है। जो बीमारी हुआ ना, क्या सेकेंड स्टेज पे ना तुम बोल रही थी, तो ठीक हो जाए अगर, तो अगर तुम उसका इलाज कराते हो ढंग से, तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। और उसको हम समझाते हैं तुम्हारी बहन को, और तुम बोल रहे कि जहर ला के दे दो हम खा के मर जाएंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तो और ज़्यादा अनाथ हो जाएगी। तो तुम चाह रहे हो अनाथ हो जाए, आप ही बता। मैं बहुत परेशान हो गई भैया, नहीं रह पाता मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त, वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती है। सुनो अभी वो नहीं सुनती, अगर आप मर जाएगा तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी ना, ते बात आप क्यों नहीं सोचते हो, इतना ज़्यादा टूट गए जाते हो आप लोग यार। भैया मेरी बीमारी, मेरे को पता नहीं आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टर बनाया ना, डॉक्टर उसका इलाज करेगा और बीमारी ठीक होगा। कैसे होगा भैया, मेरा तो इलाज भी नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूं अपना इलाज, मैं क्या क्या करूं, मैं तो इतना खुद काम करती हूं मैं बाहर जाके। देखो मरने का बात तो कायर लोग करते हैं, जो लड़की स्ट्रांग होती है ना वो अपना जिंदगी जीती है। कितने लोगों को एड्स हुआ है, सारे लोग मर तो नहीं जाते हैं ना, जीते हैं ना, उसका इलाज कराते हैं, कुष्ठ बोलते हैं, अगर वो भी किसी को होता तो उसका भी इलाज होता है, लेकिन लोग आत्महत्या नहीं करते हैं, आत्महत्या कायर लोग करते हैं। तुम बोल रहे कि थोड़ा सा जहर लाइए हम खा के मर जाते हैं, अगर तुम मर जाओगे तो उसको कौन देखेगा, वो तो अनाथ हो जाएगी। वो तो मेरी सुनती भी नहीं है, वो तो मुझे यही बोलती है तू तो, तेको एड्स है तू चली जाए यहाँ से, तू मर जाए, तू कुछ जहर खा ले। अब मेरी माँ भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ मैं, ना मेरा शादी हो सकती है ना कुछ हो सकता है। क्यों नहीं शादी हो सकती है, उसका इलाज होगा ठीक होगा बीमारी, बीमारी ठीक नहीं होता है, अगर किसी को बीमारी होता तो ठीक भी हो जाता है। लास्ट स्टेज पे होता तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अभी सेकेंड स्टेज पे है वो, अगर इलाज कराया जाएगा ना उसका तो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा परेशान मत हो। एक बार एक काम करो, अपने बहन को कोई लालच दो यहाँ पे, बुलाओ कुछ पैसे से लालच दो उसको, हम एक बार हम अपने तरीके से समझाते हैं, क्यों नहीं समझेगी। फ़ोन ओन चलाती है वो, तो एक बार फ़ोन करो उसके फ़ोन पे, उसको बुलाओ यहाँ पे। ठीक है, एक बार कॉल तो करो, नहीं आएगी आएगी, कुछ लालच देना उसको, पैसे वैसे का लालच, पैसे दूंगी तो आ जाएगी, तो पैसे का लालच देना, बोलना कि पैसे ही देना। ठीक, कॉल करो उसको।
स्पीकर पे कर लेना। हेलो हेलो। हाँ बोल। कहाँ पर है? मैं अपनी फ्रेंडों के साथ हूँ। मैंने तेरे से बात करनी है मुझे, तू आ जा एक बार पार्क में। मैं आई अपनी फ्रेंडों के साथ हूँ अभी। आ जा यार एक बार बात कर ले, आ जा। नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी, लेट हो जाएगा, मेरे को मेरी फ्रेंड बुला रही है। मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तू आ जा, मैं तेरे लिए पैसे लाई भी हूँ। हाँ पैसे लाई थी मैं तेरे लिए। चल मैं आती हूँ। मैं तेरे को लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तू आ जा। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बात तो सही तरीके से कर रही है, एक बार उसको समझाओ। और हमें हुआ, अगर हमें कुछ हो जाता है तो तुमको कौन देखेगा? इधर उधर का तुम जो घूम रही हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हो, इससे करियर नहीं बनेगा और तुम खराब हो जाओगे। तो माइक तुम छुपा कर रखो, ठीक है? हमें कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम समझाएंगे, हमारे बात से नहीं मानेगी ना, तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सोशल मीडिया पर जाएंगे। जब सोशल मीडिया पर लोग उसको थू थू करेगा ना, तो उसको समझ में आएगा कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। क्योंकि तुम बड़ी बहन हो, उसका माँ का रोल निभा रहे हो। ठीक। अगर तुम नहीं रहोगे तो उसको कौन देखेगा? मरने की बात मत करो, मरते कायर लोग। तो माइक तुम छुपा कर रखो। ठीक। A few moments later. इधर तो आ, इधर आके बात करना प्यार से। बोल। तू इतना मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करती है? मुझे पता है कितनी बड़ी बीमारी हो रही है, पता है कुछ? मुझे पता है मुझे बीमारी है, मेरे को मत बता। मेरे ये पता है, मैं इलाज करा लूंगी अपना। तू मेरे साथ ऐसे दूर मत भागा, तू मेरी बहन है। हाथ में तो लगा पहले। हाँ दूर से बात कर पहले मेरे से। यार तू ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? तो कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बता दे बस मुझे। यार देख तू किस तरीके से बात कर रही है, मैं तेरी सिस्टर हूँ यार। मुझे पता है मेरी सिस्टर है तू, बीमारी देखी है, सबको लग जाएगी वो बीमारी। मैं ये बीमारी मैंने अपने आप से थोड़ी ना करी है। तो कैसे करी है? तो सोच ना, खुद सोच, मेरे को कैसे हो जाएगी बीमारी? अपने पार्लर में भी किसी को होगी तेरे को? तो किसी की जरिए हो, ये मैंने खुद थोड़ी ना लगाई है ये बीमारी। पागल सी, बार बार फोन कर करके बुला लेती है मेरे को। तो यार तू मेरी सिस्टर है, मैं तुझे नहीं बुलाऊंगी तो किसको बुलाऊंगी? और भी सिस्टर। मेरी प्रॉब्लम तू नहीं समझेगी, कौन समझेगा यहाँ पर? मैं क्या समझूँ तेरी? यार तू सुन ना यार, थोड़ा थोड़ी मेरी फीलिंग तो समझ आ कर। तू मेरे पास इधर तो आ यार, तू सुन, तू मेरी बहन है ना, तो मेरी बात तो समझा कर। ये बीमारी मैंने अपने आप से नहीं लाई हूँ, किसी की हवा लग गई या पानी लग गई, किसी ने छुआ मुझे, इस वजह से हुई होगी ये बीमारी। पता है अपने बच्चे भी गिरा रखे कितने। यार तू कम बोला कर। क्या हाथ की छोड़ रही है मेरे पे? तो तू सुना तो करा कर, तू क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही? हाथ की छोड़ रही है? देखो तमीज है कि बात करने नहीं की? है बात करने की तमीज। तो तू क्या बोल रही है? तुझे पता है क्या है कि किस वजह से बोल रही है तू? क्यों बोल नहीं सकती मैं? तुझे पता भी है क्या बात बोल रही है तू? क्यों बोल नहीं सकती? क्यों बोलेगी तू? अपने बच्चे गिरा गिरा के बैठी हुई है, तो शर्म नहीं आ रही है? छोड़ा कर, तो शर्म नहीं आ रही है बात बोलते हुए? देखो तमीज वमीज है भी। हाथ मत छोड़ मेरे पे, ठीक है? मैं बता रही तेरे को, हाथ मत छोड़, हाथ मत छोड़। ज्यादा ही बोली जा रही है। तेरे से इतने प्यार से बात, देख सुन मेरी बात को, मैं तेरे से कुछ नहीं बोल रही, मैं बस तेरे से प्यार से बात करना चाहती हूँ। तू मेरे से ऐसे जिस तरीके से बिहेव करती है, वैसे बिहेव मत करा कर। तुझे पता है कितनी बड़ी बीमारी हो रही तेरे को? तो मैं बीमारी तेरे को थोड़ी ना लगा रही हूँ। ऐसे तो कितने जनों को लगा दी तूने बीमारी? मैंने किस किस को लगा दी? तुझे पता है? खा गई, सबको खा जाती है। तू बता मुझे, मैंने किसको खाया? मेरी वजह से मरी है मम्मी। और क्या तेरे को बीमारी वो हो रही है फिर? यार ऐसे मत कर यार, तू क्यों ऐसे समझती नहीं है मेरी बात को? तो मेरी बात तो सुन। मत लगा बार बार, हाथ छोड़ दिया तूने, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने तो अभी तुझे कुछ करा ही नहीं है यार। हाथ नहीं छोड़ा तूने मेरे ऊपर? मैंने नहीं छोड़ा। अभी छोड़ा नहीं तो थप्पड़ नहीं मारा। मेरी बात तो सुन, इधर तो आ तू, इधर आ, पहले मेरी बात सुन। पागल कहीं की मर जाके नाले कूले में? मैं क्यों मर जाऊं यार? मैंने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया? मैंने ये खुद थोड़ी ना लगाई बीमारी। दिमाग खा रही है मेरा। फिर भी यार मैं तेरे से प्यार से बोल रही हूँ, तो मेरी बात तो सुन। क्या प्यार से बोल रही? चल बोल मेरी बात सुन। तू मेरे साथ देख, मेरी सिस्टर है, मेरा साथ दे। तू ऐसे गलत कामों में मत पड़, या अपनी गलत दोस्तों के साथ मत जाया कर। तू रात रात को इतनी लेट आती है, तो क्यों आती है इतनी लेट? कहाँ जाती है ऐसा? घूमने जाती हूँ मैं, कुछ भी करूँ तुझे उससे क्या? तूने अपनी लाइफ में कुछ करा था ना,
उस टाइम पे जब तूने लव मैरिज करी थी ना, हमने कुछ बोला था? मैं क्या, मैं उसका भुगतान कर रही हूँ ना आज। कर रही है तो मैं भी कर लूंगी भुगतान। मगर तू समझ क्यों नहीं रही है, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है अभी तेरे आगे। मैं अपनी लाइफ में जो होगा मैं वो देख लूंगी। तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? मेरी लाइफ में ठीक है ना, तू ऐसे क्यों कर रही है यार? तू क्यों नहीं समझ पा रही है मेरी बात को? मैं समझ जाऊंगी जब टाइम आएगा मेरा, ठीक है यार? थोड़ा बहुत तो समझ यार, क्यों कर रही है ऐसे? क्यों, मैं कर नहीं सकती क्यों? तू पागल हो गई? तू उन सबके पीछे पागल अपनी लाइफ खराब करने जा रही है? खराब कर लूंगी ठीक है। तू मेरे को देख के तो सीख जा कुछ, मेरी लाइफ आज खराब हो रखी है, मेरी लाइफ को देख। टाइम पे हम तेरे को मना कर रहे थे ना, मत कर मत। तो आज वही मैं तेरे को वही सिखा रही हूँ कि आज तू जो जिस लाइन पे चल रही है वो गलत है। आज मेरी जिंदगी खराब हो गई, कल तेरी भी हो सकती है। वो हो जाएगी, वो मैं देख लूंगी अपने आप, ठीक है। मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा तेरे साथ। मैं क्या करूँ, तुझे कैसे समझाऊँ? मैं तो सब प्यार से समझा रही, कैसे समझा रही, समझ जा यार। कैसे समझ आएगी बता? प्लीज समझ तो आ, तू कम से कम मुझसे बात तो कर यार। जा करना तो क्यों नहीं समझ रही है? तू उन लड़कों से आज के बाद नहीं मिलेगी, मैं तेको समझा दी है आज के बाद। क्यों मिलेगी तू उनसे? तेको बीमारी दिख रही है ना अपनी, तू घर में बैठ अपने। तू यार देख, आज के बाद उन लड़कों से मत मिला कर, मैं तेको समझा ही सकती हूँ। आज ये बीमारी मैंने अपनी मर्जी की शादी करने के बाद करी, उस लड़के ने तेरे अंदर पैदा करी बीमारी। तुझे पता ये बीमारी है मेरे को? हाँ है। तू पागल वागल तो नहीं हो गई है? हाथ मत छोड़ मेरे को, ठीक है ना। क्या करूँ यार मैं तेरे साथ, मैं तेको समझा के थक गई। आज मेरी लाइफ खराब हो गई, कल को तेरी लाइफ ना खराब हो जाएगी, मैं देख लूंगी यार। तू क्यों नहीं समझ पा रही है, क्यों नहीं समझ रही है? तो मैं तेरी बहन हूँ, तेरे भले के लिए बता रही हूँ तेरे को ये सब बातें। चल बोल यार, तू समझा कर, तू कल से उसके पास नहीं जाएगी बिल्कुल भी। तू भी गई थी ना, तू झूठ बोल रही थी काम से। नहीं भैया, मैं इसके आगे आपके तुमसे कुछ जितना पूछ रहे उतना ही बताना। तुम झूठ बोल रही थी? नहीं, तुमने तो बोला था कि बीमारी हमको हो गया है। नहीं भैया मैंने नहीं। तुम पहले क्या करती थी? जो ये अभी गलती करे तुम भी तो वही ना करती थी पहले? हाँ, तो जो बड़ा करता है ना छोटा उसी राह पे चलता है। तो तुम खुद गलत हो तो दूसरे को क्यों शिक्षा दे रहे हो? अपने अंदर झांक के देखोगे तुम क्या हो? अब प्रवचन देने आ गए हो छोटे को? ये तो गलत है ही है, लेकिन तुमने भी तो गलत किया है ना। कितने लोगों के साथ तुमने संबंध बनाया? कोई बता रही थी हो? केवल रो रो के केवल अपना बात बता रही थी ना। तू एक बात बता, तू भी तो गलत है ना। मान ली एक गलती की, तू उसका पछतावा इसको हो रहा है ना। इसको एड्स हुआ है, कोई छोटी बीमारी नहीं होता है। इसको बताने में भी लोगों को शर्म आता है। तो तू भी, तेरे को भी वही बीमारी हो तो तेरे को अच्छा लगेगा? तो तू चार चार लड़के के साथ तू घूमती है, तू अच्छा करती है सही करती है? उधर देखना, उधर कैमरा लगा है, सारा रिकॉर्ड हो रहा है तुम लोग का ड्रामा। तुमसे बात कर रहे हैं, इधर इधर उधर ध्यान दे, उधर उधर लगा है। क्यों ये मैंने जो करिए वही तुम भी करेगी? मैं इसको समझा के तक गई मगर ये समझती नहीं है बिल्कुल भी। रियलाइज हो रहा है ना कि हमसे गलती हुआ है, तुमको समझा रही हूँ, तुम तो मत करो ना यार। मैं थक गई इसको समझा के कि अपनी लाइफ में जो कि होमगार्ड की नौकरी करते हैं, है ना, तुम्हारी माँ की रोल भी निभा रही है, तुम्हारी माँ ही है, तो तुमको गलत सलाह नहीं देगी। ये भुगत चुकी है जो इसके साथ हुआ है, अपने माँ के सीजन में ये भी गलत की तो पछता रही है ना। आज कोई लड़का इसको थूकेगा भी नहीं, शादी तो दूर का बात है, कोई लड़का इसको थूक के भी नहीं जाएगा। वही तू अपने आप को बना रही है, तुम दोनों गली के कुत्ते नहीं होते, उसी तरह टाइप के हो जाओगे। कुत्ता जो होता है ना दो प्रकार का होता है, समझती हो ना? जो एक घर में होता है ना वो राजा की तरह रहता है, बेटे की तरह लोग उसका देख रेख करते हैं। एक गली का कुत्ता भी होता है, इधर से भी कोई आता तो दो डंडा लगा देता है, उधर से भी तो कोई आता है दो डंडा लगा देता है। तो तुमको गली का कुत्ता बना है घर का कुत्ता बना है, तुमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। शर्म नाम का चीज़ नहीं है तुम लोगों को यार, बेशर्म वाला तुम लोग काम कर रहे हो। मैंने वो गलत तुमको समझा रही थी, तुम बताओ ना बोलती क्यों बंद हो गया तुम्हारा? वो मेरे लिए बोल रही है। किसके लिए बोल रही है तुम ही बताओ ना। सुना, अपनी लाइफ में जो किया वो मैं भी करूँगी। तो क्या फिर मैं क्या भुगत रही हूँ? मेरे को देख के सुधर जा, मैं अपनी लाइफ अपनी पूरी तहस महस कर चुकी हूँ। मैं ना आगे जा सकती हूँ, कुछ कर भी नहीं सकती मैं आगे जाकर। इसलिए तो बोला था ना मैंने तेरे को,
यार तू समझती क्यों नहीं है भी, आप कुछ समझाओ इसको, ये नहीं समझ पा रही है। तू सब तुम्हारे पास दिमाग पढ़ी लिखी है ना तू? हाँ। कितना पढ़ी है? कितना पढ़ी है? 12वीं पास है। मान लो ये जानते हो ना, तुम्हारे टीचर भी पढ़ाते होंगे, हर इंसान के अंदर निगेटिव पॉजिटिव बात होता है, तो उसके निगेटिव को छोड़ो ना, इसके अंदर जो अच्छाई है उसको लो यार। तो इसके खाली बुराई को तुम ले रहे हो, वो गलत किए तो हम भी करेंगे, ये कोई बात होता है का? अभी तुम्हारा देख रेख, तुम्हारे हर चीज का खर्च कौन उठा रहा है? ये उठा रही है। ते कहां से ला रही है कभी पूछी हो? पूरा डे डे काम करती है, किसके लिए करती है? कि जो मैं गलती की हूँ ना, मेरी बहन ना करे, कहीं अच्छी से सेटल हो जाए, इसका अच्छे घर में मैं शादी कर दूँ। लेकिन तुम भी जो एक की है, तुमको भी वही करना है, तो इसमें तुम्हें क्या अंतर आ जाएगा? इसने तो गलती की है, तो मान रही है ना हमसे गलती हुआ है, लेकिन तुम तो अभी बच्ची हो ना, तुमको तो कदम नहीं उठाना चाहिए, तो तुम ही तो वही उठा रही हो ना। बोलती बंद हो गया ना फिर? यार तू ही समझा इसको, मेरे से तो समझ नहीं रही है। जब तो मैं भैया आपके पास आई हूँ इतनी रिक्वेस्ट करके। क्या चाहती है तू? तू शांत रहो, क्या चाहती है हमसे बात करो। कुछ नहीं चाहती। तुम शांत रहो, इधर आ, तुम जो भी उधर रहा ना, तुमको क्या बात है, क्या रीजन है जो तुम इतना उसको परेशान कर? वो उसकी बीमारी मेरे को लग जाएगी, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। तुम पागल हो गए यार, उसकी बीमारी अगर तुम उसका इलाज कराओगे ना तो ठीक हो जाएगा, ठीक है? उसको अभी सेकेंड स्टेज पे उसका बीमारी है, तुम सोचो उसके बारे में। वो तुम्हारी बहन है, अगर मान लो तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते हो, मत रहो, लेकिन उसके बारे में उसका भी तो ध्यान रखो ना। तुम्हारे वाला उसका कोई है? तो फिर क्या चाहती हो बताओ? उसके साथ नहीं रहना चाहती बस। तो कहाँ रहेगी? जहाँ रहती है वहीं रहेगी। तो तुम जो गलत करो वही करोगे ना? उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। तो तुम बताओगी तब ना पता लगेगा क्या सच्चाई है क्या नहीं? सब कुछ झूठ बोल रही है वो। तो सच्चाई क्या है यार, वही बता ना तू हमको। अगर वो झूठ बोल रही है उसको हटा दें यहाँ से, तब बताओगी? तुम उधर जाओ, उधर उधर जाओ, अभी चली गई ना, जो भी बात है वो बताओ। उसको एड्स हो रहे हैं, अब वो हमारे को लग जाएगी, मेरी शादी नहीं होगी फिर। हमको पता है उसको एड्स हुआ है। हाँ। लेकिन सेकेंड स्टेज पे अगर उसका तुम इलाज कराते हो ना तो ठीक हो जाएगा। इलाज कराए इसका? इलाज नहीं कराओगे तो? मैं इलाज कराऊंगी। तो कौन कराएगा? पापा कराएंगे इलाज। तो पापा खुद बूढ़े हो चुके हैं, तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसे? पैसे उसके पास है ना, उसको थोड़ा सहानुभूति दो कि हम लोग हैं तुम्हारे साथ में, वही ना हम समझा रहे तुमको। और उसको तुम लोग छोड़ दिए हो, इग्नोर कर रहे हो, तो फिर कैसे घर चलेगा? वो तुम्हारी अपनी बहन है, समझ रहे हो ना? इधर हाथ दो। तो उसको तुमको समझाना है, उसके अलावा तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो तुमको अपना बहन ही अपना सब कुछ मानती है, तो इसके साथ रहो, ठीक है? ज़्यादा सोचो मत, ठीक है? इलाज कराओ इसका, ठीक है? अगर पैसे कमी पड़ती है तो तुम हमको बताना, हम देंगे, लेकिन उसको छोड़ो मत तुम, ले जाओ उसको। चला।